लखनऊ से आरबी वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शैलजा जी, सचिन साहब नमस्कार को नमस्कार। सर। वर्मा साहब, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। मेरी पत्नी जो है, इनको फीवर आ रहा था 4 महीने पहले, तो जी। इन्होंने मतलब इनको दवा दी गई, इनको जांच वांच कराई गई, सारी जांच यानी सीटी स्कैन, एक्सरे, हाथ का, पेट का और सब मतलब कराया गया, जी और कई बार बलगम कराया गया, खून की जांच कराई, स्टूल की, यूरिन की, सब कराया गया, तो जी इनको कोई भी चीज बीमारी इनको नहीं डिटेक्ट हुई। केवल इनको हाइपर थायराइडिज्म ये डिटेक्ट हुआ है, और जिसमें T4 214 आया। इस जी समय हकीम साहब, ऐसा है कि इनको काफी रिलीफ हो चुका है अंग्रेजी दवाओं से, मतलब रिलीफ तो बहुत है, लेकिन फिर भी अभी फीवर कभी 2-3 दिन के बाद आ जाएगा, पैरासिटामॉल ले लेते हैं, उतर जाएगा, फिर 3-4 दिन के बाद थोड़ा आएगा, ये पोजीशन चल रही है। मैंने अभी जो है डॉक्टर जफर को आपके क्लिनिक पर दिखाया था, मतलब जी बताया था जाकर के पूरी पोजीशन, तो उन्होंने हमको बहुत सी दवाएं जैसे कि पी केयर, यस केयर, आर केयर, ज्वाइंट फोर्ट, ए केयर, तुलसी प्लस, बम्बू प्लस, हल्दी प्लस, नमक शिवरंजनी, इतनी चीजें हमको दिया है। तो मैं अब आप, और इनको इस समय परेशानी है, हल्का फीवर आता है और खाना खाने के तुरंत बाद लैट्रिन आती है, लैट्रिन ठीक होती है थोड़ी सी मात्रा में, जी और बाकी तकलीफ इस समय इनको नहीं है। इस समय इनको तकलीफ केवल फीवर की है, जो 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा आता है, 99-100 के बीच रहता है, और एक टेबलेट देने के बाद वो फिर 3-4 दिन के लिए मतलब ठीक हो जाता है, और खाने के बाद इनको लैट्रिन थोड़ी मात्रा में होती है, लैट्रिन पतली वतली नहीं होती, लैट्रिन ठीक होती है लेकिन थोड़ी मात्रा में हर बार होती है जब खाते हैं। तो जी, अब इनके लिए जो उचित सलाह है आप कृपया बता दीजिए। ठीक, जी बहुत सम्मानीय हैं वर्मा साहब हमारे लिए, और उतनी सम्मानीय आपकी पत्नी है, और इन हालात से हर शख्स को गुजरना होता है, अस्पतालों और बुखारों और बीमारियों के हालात से सब कोई गुजरना होता है, यहाँ तक कि हमें भी गुजरना होता है। और कभी परेशानी यही होती है कि जो बीमारी है वो डिटेक्ट नहीं होती और अंदाजे से दवाएं चलती रहती हैं। तो देखिए, इतने दवाएं ले रही हैं तो नमक शिवरंजनी इनके लिए ज़रूरी है, कम से कम 2 टाइम, दो दो चुटकी आप इन्हें दिया करें, तो इससे वो दवाओं के जो नुकसान हैं वो जाहिर जो नहीं होते और नुकसान हैं तो वो ज़ाया होते रहेंगे, निकलते रहेंगे, कोई भी दवा इन्हें नुकसान पहुंचा कर नहीं जाएगी, ख़ास तौर पर एलोपैथिक। फिर जॉइंट में अगर दर्द है तो जॉइंट फोर्ट दें या एस केयर दें या टी केयर दें, लेकिन अलग अलग दें, एक साथ ना दें ये दवाएं। अगर सुबह को जॉइंट फोर्ट दिया है तो शाम को वो दें टी केयर या एस केयर जो भी है, और उसी हिसाब से ये दोनों दवाएं एक साथ ना दें, और जो भी दवाएं दी हैं वो एक साथ भी दे सकते हैं लेकिन जॉइंट फोर्ट या टी केयर या एस केयर एक साथ बिल्कुल ना दें, और गोंसिया भी एक साथ ना दें, अलग अलग टाइमों में दें, इसी तरह इलाज करें। और जो स्टेरॉइड वगैरह का इलाज है वो पल्स बढ़ाता है, अगर आप भी अगर स्टेरॉइड की एक गोली खा लें तो आपकी पल्स और शुगर और सब कुछ एकदम अप हो जाता है, ये ताकतवर दवा है, हालांकि ये वक्ती इलाज होता है, तो इसके नुकसानात उनके जिस्म में ना रह जाए उसके लिए नमक शिवरंजनी ज़रूर दे दिया करें 2 बार, ताकि वो जल्दी से किडनी से इन दवाओं को बगैर नुकसान पहुंचाए बाहर कर दिया करें।